क्या खत्म होने वाला है 5G का इंतजार। 5G की लॉन्चिंग को लेकर बड़ी खबर। मोबाइल कांग्रेस में मिल सकता है बड़ा अपडेट। भारत में 5G का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। अगले महीने यानी अक्टूबर में भारत में 5G सर्विसेज रोल आउट हो जाएंगी। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों इस बारे में जानकारी दी थी। अब देश में 5G सेवा की शुरुआत की तारीख भी सामने आ गई है। 1 अक्टूबर से इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत हो रही है और इसी दिन देश के 13 शहरों में 5G सर्विस रोल आउट होने की संभावना है। हालांकि इस मामले पर अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है। दरअसल नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन यानी NBM ने इस संबंध में एक ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा गया था कि 1 अक्टूबर को इंडियन मोबाइल कांग्रेस में PM मोदी 5G लॉन्च करेंगे। हालांकि ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया। मोबाइल इंडिया कांग्रेस ने भी 5G की लॉन्चिंग को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आयोजन दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI मिलकर करते हैं। प्रगति मैदान में होने वाली इंडिया मोबाइल कांग्रेस 4 अक्टूबर तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकार ने कम समय सीमा में देश में 5G दूर संचार सेवाओं के 80% कवरेज का लक्ष्य दिया है। पहले चरण में देश भर में लगभग 13 शहरों में 5G दूर संचार सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 5G से उपयोगकर्ताओं को 4G के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इंटरनेट स्पीड मिल सकेगी। स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ROW की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को साथ में लेना था वो साथ आए और अब तेजी से रोल आउट करने की तैयारी चल रही है। सारे के सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अपना इक्विपमेंट लगाना, इक्विपमेंट को प्रॉपरली ट्यून अप करना, जगह जगह नए जो भी इंस्टॉलेशंस करने में लगे हुए हैं और होपफुली बाय अक्टूबर 5G वी शुड बी लॉन्चिंग एंड उसके बाद में बहुत ही रैपिड स्केल अप करेंगे, तेजी से स्केल अप करेंगे। केवल शहरों में ही नहीं बल्कि कस्बों में, गांवों में, दूर दराज क्षेत्रों में भी जल्दी से जल्दी 5G लाने का टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया है डिपार्टमेंट को और बहुत ही तेजी से इस पे हम लोग आगे रोल आउट करेंगे। बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी सभी सर्कल के लिए हो गई है। रिलायंस जियो ने 5G का सबसे अधिक स्पेक्ट्रम अपने नाम किया है जो कि 22 सर्कल के लिए है। जियो और एयरटेल ने कहा था कि 5G की लॉन्चिंग अगस्त में होगी लेकिन अब सितंबर भी खत्म हो चुका है और 5G की लॉन्चिंग का कोई अता पता नहीं है। आज यानी 24 सितंबर को एक खबर वायरल हो गई कि 1 अक्टूबर को देश में 5G लॉन्च होगा और इसकी लॉन्चिंग कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे।